दोस्तों, वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए दिया गया है। वर्ष 2022 में साहित्य के नोबेल अवार्ड से फ्रेंच लेखिका एनी अर्नॉक्स को सम्मानित किया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन है जॉन फॉसे। जॉन ओला फॉसे एक नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार है। वह हेनरिक इब्सेन के बाद सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले नॉर्वेजियन नाटककार है। इनका जन्म 9 सितंबर 1959 को हुआ था। जॉन फॉसे का जन्म नॉर्वे के हाउगेसुंड में हुआ था और वह स्ट्रैंडबाम में पलेबधे हैं। फॉसे हेनरिक इब्सेन के बाद सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले नॉर्वेजियन नाटककार हैं। उन्हें अक्सर नया हेनरिक इब्सेन कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में हेनरिक इब्सेन को आधुनिक निरंतरता में लाए। वैसे तो अच्छा कलाकार हर कृति में ही भरसक प्रयास करता है, मगर उसे याद कुछ ही कृतियों के लिए ही किया जाता है, वो कृति जो उसकी कला को पहचान देती है। मसलन दोस्तोवस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट, लियो टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस और विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक इसी तरह फॉसे की सबसे मानी हुई रचना है सेप्टोलॉजी, फिक्शन का एक जाबड़ काम। सात उपन्यासों में मानव स्थिति की सभी जटिलताओं और रहस्यों को खोजता हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कृति का रिव्यू छापा तो उसे उन्वान दिया गॉड आर्ट एंड डेथ इन द सेम सेंटेंस। मुराद ये कि कथानक इन्हीं तीनों बिंबों के इर्द गिर्द है, ईश्वर कला और मृत्यु। नॉर्वे की भाषा परिषद के मुताबिक देश की 54 लाख आबादी में से केवल 10% लोग ही इसका उपयोग करते हैं, हालांकि दूसरी भाषा बोकमाल में लिखने पढ़ने वाले बाकी लोग इसे पूरी तरह समझते हैं। बोकमाल नॉर्वे की सत्ता की भाषा है और शहरी वर्ग इसे ही तरजीह देता है, जबकि निनोर्स्क का उपयोग मुख्यतः ग्रामीण पश्चिमी नॉर्वे के लोग करते हैं। लेखन की दुनिया में फॉसे की हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी लिखी किताबें 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। लेखन के अलावा फॉसे को संगीत का भी शौक है। वे गानों की धुन बनाते हैं। वे दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली 100 जीवित शख्सों में 83वें स्थान पर हैं। फॉसे के लिए नोबेल पुरस्कार संगठन ने लिखा नाइनोर्स्क जुबान में लिखे गए और अलग अलग शैलियों में फैले हुए उनके रचना सागर में नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध, बच्चों की किताबें और अनुवाद शामिल है। वैसे तो दुनिया में उनके नाटक बेहद प्रसिद्ध हैं, मंचित किए जाते हैं, लेकिन अब उनके गद्य भी तेजी से पहचाने बना रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।